सैकड़ों ठेका कर्मचारियों को बिना किसी कारण के काम पर से निकालने के विरोध में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कंट्राती कर्मचारी संघ की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें फिर से काम पर रखा जाए और ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए। कोरोना काल में मेडिकल अस्पताल में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारियों को बिना किसी कारण ठेकेदार ने काम से निकाल दिया, जिसके विरोध में सैकड़ों कर्मचारी आंदोलन पर गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार सरकार की ओर से तय वेतन ना देते हुए उनका शोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार उन्हें डरा धमका कर उनसे काम से निकल जाने की बात करते हैं, ताकि वह दूसरे कर्मचारी का भरकर उनसे ज्यादा पैसे ले सके। देखो, आंदोलन को मिलने नहीं आया। इस जो आंदोलन की संस्था बनी है भारतीय मजदूर संघ नागपुर मेडिकल कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर मेडिकल प्रशासन ने 108 सुरक्षा रक्षकों को एक में कामगार दिन के दिन नौकरी से निकाल दिया, और 12 साल से ये लोग वहाँ पर काम करते थे। 12 साल में कभी लेबर नियम के अनुसार इनको पेमेंट नहीं दिया गया। इनका पेमेंट था 15,000 रुपये। इनके एटीएम कार्ड यूनिटी सिक्योरिटी सर्विस के मालक शेखर आदमने ने अपने पास रखा, और ये 108 लोगों का पेमेंट निकालने के बाद इनके दूसरे अकाउंट में 6,000 रुपये महीना डाला। 15,000 निकाला और इनके अकाउंट में फिर से 6,000 डाल दिया। ये ऐसा काम, इनके साथ अन्याय हुआ है और 108 लोगों को काम से निकाल दिया गया है। इस बात की जानकारी हमने लेबर कमिश्नर के कोर्ट में दी, लेबर कमिश्नर जिला अधिकारी इटनकर साहब को दी। उसके बाद इन कर्मचारियों के साथ जो बड़ा अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, इनको फिर से काम पे लेना चाहिए। इनका जो डिफरेंट पैसा है इतने सालों का, वो पैसे इनको मिलना चाहिए। इस बात को लेकर ये यहाँ आंदोलन है। फिर दूसरा विषय है अभिजीत कंपनी, क्रिस्टल कंपनी, वो कंपनी में काम करने वाले वर्कर 8 साल से काम कर रहे हैं। उन वर्करों को कभी मिनिमम वेजेस नहीं दिया गया, जिसमें वहाँ पर यूनियन की स्थापना की करके 4 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया, जो भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी हुए, वो भी एक अन्याय किया। और इनको कभी मिनिमम वेजेस नहीं दिया, और जो सरकार से करारनामा हुआ था जो पैसे का एग्रीमेंट में, वो भी पैसा कभी दिया नहीं। तो सरकार से हमारी एक मांगनी ये है कि जो फर्क पैसा है, जो डिफरेंट पैसा है इतने सालों का, वो भी पूरा देना चाहिए, और इन कर्मचारियों को व्यवस्थित काम पे लेना चाहिए। ये सारी बातों को लेके ये हमारा आंदोलन है। और 500-680 पदों की जगह ये मेडिकल कॉलेज में निकलने वाली है। तो जब तुम मेडिकल कॉलेज में 680 लोग नए भर्ती करोगे, तो ये जो 5 साल से कोरोना काल में जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर कोरोना पेशेंट को जान से बचाया, इसमें से कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों का मृत्यु हो गया कोरोना की बीमारी से, तो ऐसे लोगों के साथ अन्याय करके उनको काम से निकाल दोगे और फ्रेश 680 भर्ती करोगे, तो उस भर्ती की कुछ अटे शिथिल कर ये जो काम करने वाले 300-400 लोग हैं, इनका भी विचार उस भर्ती में किया जाए। ये सारी मांगों को लेकर ये आंदोलन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन हम लोग चलाने वाले हैं। और इस बात की जानकारी आज सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनको हमने दी है। उन्होंने मुझे कहा कि आंदोलन की भूमिका मत ले, मैं आने के बाद इसमें रास्ता निकाल देता हूँ। लेकिन कर्मचारियों का ऐसा कहना था कि अब आंदोलन की तैयारी हो गई है तो अपन आंदोलन करेंगे, हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। इसी बीच आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों ने भी अपनी मांग के सामने रखी है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें काम पर लिया जाए। हम यूनिटी में 12 साल से जो ड्यूटी कर रहे हैं, और हमको पेमेंट सिर्फ पहले 5,000 मिलता था, फिर उसके 2017 से हमको 6,000 रुपये पेमेंट दे रहे हैं, और बाकी का हमारा पेमेंट खा रहे हैं वो लोग। हमको मेन वेतन हमारा 10,000 से ऊपर आता है, पर हमको कभी पूरा मिला नहीं है। हमको सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी देते गए हैं, और कोविड के इसमें हमने इतनी ड्यूटी करे ये करे, उसका भी हमको कोई बेनिफिट मिला नहीं है। वो शुरू से 2013 से शेखर आदमने है, उनके तरफ ही उनका ठेका था। अभी ठेका हाँ, इनको निकाल, हमको डायरेक्ट कामगार योजना के दिन 1 तारीख को हमको सबको निकाल दिए गए। हमको उसके लिए पहले किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, 2 घंटे पहले हमको निकाल दिया गया है। ठेकेदार का कुछ कहना नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमको पहले से ऑर्डर आया था और हमको कुछ बताया गया नहीं है उसके बारे में। हमको 1 महीना पहले भी बताया कि कभी बताने गए, सिर्फ 2 घंटे पहले बोल रहे हैं कि रात को नाइट से ड्यूटी में आने का नहीं, ऐसे डायरेक्ट हमको बोल दिया, खत्म हो गया। हम हमारा कहना ये है कि हम अभी रोजी रोटी कमाएंगे, जाएंगे कहाँ पे हम लोग अभी, इनको फिर से काम में लिया जाए। हमको वहाँ पे लिए, वहाँ पे काम लेने, काम के पे लेने का हमारी यह है, क्योंकि हमारी उम्र पूरी वहाँ पे बीत गई। 12 साल से हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अभी हमको कई जगह पे जाओ तो उम्र के हिसाब से हमको कोई काम देने को तैयार नहीं है।
हम आंदोलन शुरू रखेंगे सर, जब तक के हम कंपनी के लिए मानेंगे नहीं तब तक के हम आंदोलन में बैठे रहेंगे, करेंगे हम आंदोलन में बैठे रहेंगे। कोरोना काल में सेवा देने वाले कर्मचारियों को सरकार 50 लाख का बीमा देने वाली थी। इस घोषणा के बीच सरकार भूल गई कि सरकार के साथ मिलकर बहुत से अस्थायी कर्मचारी भी उन्हें सेवा दे रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन लोगों की मांग पर ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।